देश समेत मध्य प्रदेश में तीन चरण का मतदान पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर मतदान हुआ। ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत कैद हो गई। जनादेश किस तरफ जाएगा इसका पता 4 तारीख को चलेगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में ज्यादा वोटिंग हुई है। इस वोटिंग के क्या मायने हैं, किसको नफा नुकसान हो रहा है और ये वोटिंग ट्रेंड्स क्या कहते हैं, आज इसी को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। अब ये ना कहिएगा कि वोटिंग ट्रेंड से हमें क्या फर्क है, ये भी नहीं कि कहीं अगर जीत और लीड की बात हो रही है तो आपको ये नहीं जानना है। नहीं, ये सब आपको जानना है। आप इस दौर में याद करिए, लोकसभा चुनाव के ऐलान से लेकर नतीजों तक, परिणाम तक, आप ही भगवान हैं। भगवान को हर जानकारी होनी चाहिए कि कहां, कब, क्या, किस तरह से राजनीति के रंग बदले हैं। यही वजह है कि आपके लिए हम इसे डिकोड कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं का वोटिंग को लेकर उत्साह जो नजर आया, अगर पिछले 2019 के लिहाज से देखा जाए तो कम रहा, लेकिन इसका जो नतीजा आया वो घटते मतदान प्रतिशत के चलते है। लेकिन तीसरे चरण में मतदाताओं में बंपर उत्साह नजर आया। तीसरे चरण में बढ़े मतदान को लेकर सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस वोटिंग परसेंटेज को बीजेपी के खिलाफ मान रही है, बीजेपी इसे अपने समर्थन में गिनती है। अगर बात बीते चुनाव की करें तो बीजेपी सभी 9 सीटों पर, यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी इस चरण की, तीसरे चरण की। लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई है उसके मायने क्या है, यह जानने के लिए बीते लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत आपको बताएंगे। एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग बढ़ने, बराबर होने, किसे नफा नुकसान होगा, क्या ये ट्रेंड्स कहते हैं। सबसे पहले 9 सीटों पर इस बार कितना मतदान हुआ वो आपको बेहतरीन तरीके से जान लेना चाहिए। आपको भी ये समझ आना चाहिए कि कितने वोटिंग परसेंटेज हुए, पिछले साल क्या था, उसके क्या जो वोटिंग परसेंटेज हैं उनके क्या मायने रहे, और वोटिंग परसेंटेज जब चुनाव के नतीजे आए तो क्या रहा। अब ये फटाफट जान लीजिए। तीसरे चरण की वोटिंग 2024 के लोकसभा चुनाव में राजगढ़ में 75.39%, विदिशा में वोटिंग का परसेंटेज है 74.04 और भोपाल में परसेंटेज है 62.29। ये हालांकि थोड़ा सा पिछले बार के मुकाबले कम है, 2019 के मुकाबले भोपाल की अगर बात कर ली जाए। अब और जान लीजिए, तीसरे चरण में मुरैना में 58.22%, भिंड में 54.87%, ग्वालियर में 61.68% वोटिंग हुई है। इसके अलावा ये वोटिंग परसेंटेज है। अब गुना, सागर और बैतूल की बात कर ली जाए, गुना 71.95, सागर में 65.19%, बैतूल में 72.65% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग की स्थितियां वोटिंग परसेंटेज की। अगर ये जब नतीजे आते हैं तब क्या होता है, पहले राजगढ़ में जान लीजिए 2024 में 75%, 19 में 74%, तकरीबन 1% का फर्क, और 2014 में 60% यहां पर वोटिंग होती है। विदिशा की बात हम करेंगे, 74.04%, 71.83%, 65.71%, भोपाल में 62.29%, 65.76%, 57% से ज्यादा 2014, 2019, 2024। ये आपने जान लिया कि इन तीन सीटों पर यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जिन सीटों के हम ये और हम जो सीटें उसके बारे में बता लिया जाए, बता देते हैं आपको। मुरैना में 2024 में मत पड़े हैं 58.22%, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आया मुरैना, लेकिन 2019 में 61.62%, इसे समझिए 2014 में फिर 50%, सेकंड डिवीजन और वो भी खराब कंडीशन में। भिंड की बात कर ली जाए 54% खराब 2019, 54% खराब 2014 में, उससे ज्यादा खराब 46%। ग्वालियर की बात कर ली जाए 61% फर्स्ट डिवीजन, लेकिन 2019 में 59 और 2014 में 52%, पिछले बार के मुकाबले अगर देखा जाए इन तीनों सीटों को तो यहां पर वोटिंग का परसेंटेज कमोबेश थोड़ा सा बढ़ा है। अब वोट परसेंटेज क्या कहता है, गुना, सागर और बैतूल की बात कर ली जाए, 2024 गुना की बात कर रहे हैं, 71% से ज्यादा तकरीबन 72, 70% से ज्यादा 2014 में, 60% से ज्यादा सागर में, 65% से ज्यादा 2019 में, 65% से ज्यादा 2014 में, 58% से ज्यादा, फर्स्ट डिवीजन नहीं रहा। बैतूल की बात करेंगे, 72% मतदान हुआ है। बैतूल की स्थितियां थोड़ी बदल गई थी इस वजह से यहां मतदान थर्ड फेज में रखा गया। 2019 में 78% मतदान हुआ और 2014 में यहां 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। यह पुरानी स्थितियां और नए वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया है किस तरीके से यह पूरा वोटिंग परसेंटेज रहा। सबसे पहले जो बेहद खास मेहमान है उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं और उनसे इस वोटिंग ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे।
नवनीत गर्ग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। राकेश अचल राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नवनीत जी नए इनिशिएटिव के लिए जाने जाते हैं, राकेश अचल किताबें कविताएं भी लिखते हैं, गद्दार एक किताब लिख चुके हैं, और दोनों ही मेहमानों के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि जब पूरी नौजवानी 59 सेकंड की रील में खुद को बर्बाद कर रही हो, ये हजारों हजार शब्दों के आर्टिकल लिखते हैं, इस वजह से भी इनको आपको सुनना चाहिए, यही आपके भविष्य को तय करेंगे, ये इतिहास की बुलंदी मारते हैं। नवनीत सर पहले आपके पास आ रहा हूं, वोटिंग परसेंटेज हमने दिखाए हैं, वोटिंग परसेंटेज और ट्रेंड्स क्या आपको लगते हैं? जी इस बार गर्मी का बहुत तेज माहौल था यहाँ, उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज आखिरी क्षणों में बढ़ा है। इसके लिए जिला प्रशासन और राजनीतिक दलों की जागरूकता और उन्होंने जो मतदाताओं को स्वीप प्लान और कई अन्य योजनाओं के तहत लोगों को प्रेरित किया है, इसलिए मतदान बढ़ा है। जी जी। और राकेश अचल आपका सर कमेंट ये बढ़े हुए मतदान को लेकर, हालांकि जो ग्वालियर चंबल की कुछ सीटें हैं वहां पिछले 3 चुनाव में कई जो सीट हैं वो 50% के आसपास हैं। जी प्लीज। ललित जी देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जो ट्रेंड रहा है मतदान का वो पिछले 2019 के चुनाव से तो अच्छा रहा है, और तीनों सीटों पर अलग अलग कारण रहे हैं मतदान का प्रतिशत बढ़ने का, और इन पर विस्तार से हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन मतदाताओं ने मौसम का लिहाज नहीं किया और खुल करके मतदान किया, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थिति नहीं रही पिछले चुनाव के मुकाबले। जी तो ये स्थितियां हैं। एक बात और नवनीत सर आपसे समझना चाहेंगे, जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं, बोलिए। एक नया टर्म आजकल आया है 2014 के बाद ही, प्रो इनकम्बेंसी और वोटर को खींचकर बाहर लाना, ये ठीक है कि खजुराहो सीट को लेकर यह कहा गया कि कांग्रेस का वोटर नहीं पहुंचा है, पर अब जब सारा वोटर पहुंच गया तो ये किसका वोटर है, तो वोटर को खींच कर लाना और इसमें ज्यादा कामयाब बीजेपी नजर आती है, इसमें कोई डाउट कोई शक कोई सुबह? नवनीत सर इस बार भी ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार था वो शून्य के आसपास था, वोटर को खींच के लाने की तो जहां तक बात थी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। इस बार वोटर स्वप्रेरणा से आया है और ऐसे कोई किराए के वाहन भी दिखाई नहीं दिए पूरे क्षेत्र में, और वोटरों ने मोदी के नाम पर, और मैं कह सकता हूं इसको कि ये जो ट्रेंड चल रहा है उसके कारण वोट का प्रतिशत बढ़ा है, और इसका फायदा निसंदेह भाजपा को मिलता दिख रहा है। जी राकेश सर आपका भी इस पर कमेंट कि जो वोटर निकल कर आया, पार्टियां खींच कर लाई, अंगूठियां खींच कर लाई, 10% का कंसेशन समोसे की दुकान पर वो खींच कर लाया, क्या लेकर आया वोटर को? ललित जी देखिए, मैं नवनीत जी के राय से थोड़ा इत्तफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है जैसे हमारे ग्वालियर चंबल अंचल की बात है, तो ग्वालियर में मोदी के नाम पर वोटर ना बीजेपी का निकला और ना कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम पर कांग्रेस का निकला। यहाँ जातीय ध्रुवीकरण हुआ है नए सिरे से, जो वर्षों से देखने को नहीं मिला था। यहाँ हमेशा महल के प्रत्याशी जीतते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का। पहली बार है कि यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी महल से वाबस्ता नहीं है, बीजेपी का प्रत्याशी महल से वाबस्ता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है, उनका समर्थक है, पूर्व मंत्री है। बावजूद इसके ऐसा कुछ ध्रुवीकरण मुझे देखने में आया कि प्रत्याशी को कांग्रेस के को कोई बहुत ज़्यादा प्रचार का अवसर नहीं मिला, लोग जानते नहीं है, उसके पास साधनहीनता भी रही, मेरे को लगता है उसने टिकट नहीं लौटाया, ये बहुत बड़ी बात की उसने। बावजूद इसके इस बार मतदाता स्वप्रेरणा से मतदान केंद्रों तक पहुंचा, और ख़ासतौर पर वो मतदाता पहुंचा जो हमेशा मौसम का बहाना करके या बड़ी उदासीनता रखता था चुनाव के प्रति, कौन लाइन में लगे, ऐसे लोगों को मैंने देखा कि सुबह 7 बजे से पढ़े लिखे लोग, कारों में और वातानुकूलित कमरों में रहने वाले लोग भी इस बार मैदान में दिखाई दिए। जी चलिए, इस बार मैदान में दिखाई दिए। थोड़ी सी और डिटेल्स हम अपने दर्शकों को बताएंगे और फिर मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। अब 3 फेज में हुई वोटिंग की बात कर लेंगे, पहले दूसरे तीसरे चरण में मतदान का परसेंटेज क्या रहा वो आपको बताते हैं, घटते और बढ़ते मतदान के सियासी मायने क्या हो सकते हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण की अगर पूरी बात कर ली जाए 68.05, दूसरा चरण 58.66 और तीसरे चरण में 66% से ऊपर मतदान हुआ है। हम औसत मतदान की बात कर रहे हैं,
मतदान के जो परसेंटेज हैं वो एक स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जो ट्रेंड होंगे, आज जो हमारे मेहमान बोलेंगे, ये 4 तारीख को आपकी राजनीतिक समझ को एकदम पुख्ता कर देगा मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। वोटिंग परसेंटेज के क्या स्थितियां हैं, 68% से ज्यादा। अब गणित समझ लीजिए, पहला चरण 2019 में 75% से ज्यादा वोटिंग, 2024 में 68% से ज्यादा वोटिंग, फर्क देखिए। दूसरे चरण में 2019 में 67% वोट पड़ता है और 2024 में 58% वोट पड़ता है, 58% से ज्यादा। तीसरा चरण 2019 में 66% से ज्यादा वोट पड़ा और 2024 में 66.05, थोड़ा सा मामला पीछे रहा। लेकिन 2019 में जज्बात के मसले भी बहुत काम कर रहे थे, ये भी एक वजह थी। और हम आपको गणित दिखाते हैं किस तरीके से यह गणित रहा है, इन्हें जान लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत सारा पानी नर्मदा में बह गया है इन 5 सालों में। शिवराज सिंह चौहान, क्या उनके राजनीतिक दशा और दिशा तय होनी है, ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और दिग्विजय सिंह, राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, आशिक का जनाजा है जरा जोर से निकले, ये अपील तक की गई है और यहीं पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। ये 3 जो दिग्गज हैं, इन लिहाज से और इन्हीं लिहाज से इनकी हम सीट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। 2 बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर हम उस सियासी चर्चा पे आपको शिफ्ट करते हैं, एक एक सीटों को लेकर उनसे हम जानकारी लेंगे। 3 सीटों की हमने स्थितियां बताई, 2 जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये मामला। सबसे पहले राजगढ़ में बंपर वोटिंग, नवनीत सर प्लीज आपका प्रेडिक्शन भी। हाँ जी, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी वर्षों बाद इस चुनाव लड़ने आए हैं और चूंकि वो पिछले बार भोपाल से बड़े अंतर से चुनाव हारे थे और इस दौरान वो उस क्षेत्र से कट गए थे, ये बात अलग है कि उनके बेटे जो जयवर्धन सिंह जी वहाँ से विधायक हैं और उनकी पकड़ है, उसके बावजूद इस बार कांग्रेस का फंड मैनेजमेंट, कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट, कांग्रेस के लोगों में, कांग्रेस के लोगों के अधिकांश भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस के कैडर में निराशा का वातावरण, ये बहुत सारी चीज़ों को दिग्विजय सिंह जी को भी फेस करना पड़ा है। और भाजपा का मैनेजमेंट, भाजपा का बूथ पन्ना तक के पहुंच, हाँ। और भाजपा 5 साल चुनावी मोड में जो रहती है, उन सब कारणों से दिग्विजय सिंह जी को भी संघर्ष दिखाई दे रहा है, हाँ। और चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है जी, चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है, वो आपको चौंकाएगा नहीं। राकेश सर, भोपाल में बंपर वोटिंग हुई, एक नया कैंडिडेट जिस पर गंभीर आरोप लगे थे, उसके बावजूद बड़ा मार्जिन रहा हार का दिग्विजय की, ये और बात है कि इस बार कैंपेनिंग में कहीं नजर ही नहीं आई प्रज्ञा ठाकुर। दूसरी बात कि एक बड़ा वोटर और एक बड़ा तबका जो रुडमल नागर है, उन्होंने पूरे चुनाव को या भाजपा ने चुनाव को मोदी वर्सेस दिग्विजय किया, इन सब के बीच ये बंपर वोटिंग क्या इशारा कर रही है सर? देखिए नरेश जी, इस बार जो राजनीति के पंडित हैं, जो आंकड़ों के पंडित हैं, राजनीति तो छोड़ दीजिए, आंकड़ों के पंडित भी स्पष्ट तौर पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है या प्रो इनकम्बेंसी वोट है। लेकिन जो आपने कहा कि आसिक का जनाजा है बड़ा धूम से निकले, ये मुद्दा वहाँ पर अपील किया है। और दिग्विजय सिंह जी, जैसा नवजीत भाई ने बताया कि एक लंबे अरसे के बाद वहाँ गए, 1984 और फिर के बाद 1991 है मेरे ख्याल से, और 33 साल का लंबा गैप शायद है, तब वो राजगढ़ वापस पहुँचे हैं, तो उनकी ये अपील शायद काम करती हुई नज़र आती है। हालांकि जो हमारे रुडमल नागर साहब हैं, वो लगातार अच्छे अंतराल से 2-3 चुनाव जीत चुके हैं, वैसे तो उनको पराजित करना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन आसिक का जनाजा उठना है, चूंकि राजनीति से दिग्विजय सिंह ने विदाई के संकेत दिए हैं, अपीलें भी की हैं, मार्मिक अपीलें की हैं, वो तो ये हो सकता है कि ये लाए। अमित शाह ने 17 बार मेरा नाम लिया, इस तरह से बड़ा साइलेंट जवाब उन्होंने दिया है अभी। जी बड़ा शांत उन्होंने गिनाया कि अमित शाह 17 बार मेरा नाम ले रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू राकेश सर। मैं वहीं आ रहा था कि आज माननीय अमित शाह जी ने अपनी सभाओं में जो बात कही है, उसके बाद ये इस तरह का आकलन करने का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि हम 3 चरण में 282 में से 190 सीटें जीत चुके हैं, यानी उनके पास ऐसा कोई तीसरा नेत्र है जो इस वोटिंग ट्रेंड के आधार पर
परिणाम तक उन्हें ले जाने के लिए आसानी देता है, लेकिन हम लोगों को तो ऐसा लगता नहीं है। हर सीट पर स्थितियां अलग है, राजगढ़ में अलग है, हाँ। गुना में अलग है, ग्वालियर में अलग है, भोपाल में अलग है, बैतूल में आग लग गई है मतपेटियों में, हमारी मशीनों में, हाँ। तो ये भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। तो 4 जून से पहले हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस बार जो मुद्दे थे वो मुद्दे नहीं थे जो सत्तारूढ़ दल ने अपने घोषणा पत्र में जनता के सामने रखे थे। मुद्दों ने बड़ी तेजी से अपना स्वरूप बदला, हाँ। और वही कारगर साबित होंगे, चाहे ग्वालियर में हो, चाहे गुना में हो, चाहे राजगढ़ में हो। जी जी, मुद्दों के माइंडसेट से खेलने में बीजेपी का जो मैनेजमेंट है। खैर, अब बात गुना की करेंगे। नवनीत सर, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बात इस तरह की निकल कर आई, कांग्रेस ने उसे चुनाव को यादव बनाम यादव करने की कोशिश की, यादव वोटर वहां पर इस तरीके की मजबूत स्थिति रखता भी है, पूरा परिवार जो है वो एक कैंपेनिंग करता नजर आया। नवनीत सर, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो पिछला चुनाव हारे थे उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि गुना की जनता ने यह माना कि उनके हारने के बाद वहां के विकास कार्यों में गति को फर्क मिला है, फर्क पड़ा था, इसलिए उस क्षेत्र की जनता ने ये इस बार यह मन बनाया है कि वे अपनी पिछली गलती को सुधारेंगे। जहां तक यादव बाहुल्य इस क्षेत्र की बात है और कांग्रेस ने यादव उम्मीदवार को उतारा है तो एक फैक्टर जरूर है, पर ज्योतिराज सिंधिया का जो मतलब उसका उनका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के सामने ये मुझे ये यादव कार्ड चलता दिखाई नहीं दे रहा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यह बात अलग है कि मतदाता ने मतलब देते हुए अपना क्या विचार बनाया है, पर एक जनरल जो ट्रेंड निकल के आ रहा है उस हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छी स्थिति में है। ठीक ठीक, अब मैं आपका एक विदिशा पर भी शॉर्ट कमेंट ले लूं। ऐसे लड़ा चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने, नवनीत सर ऐसे लड़ा है चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने जैसे पहला चुनाव हो, एक बात। दूसरी बात, कार्तिकीय कह रहे हैं कि किसी लहर के भरोसे ना बैठो, कार्यकर्ता बहुत मेहनत करो। तीसरी बात कि बातों ही बातों में कह देते हैं लाडली बहनों के लिए कि राशि को 3000 तक जाना होगा, और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि अब तो आपको केंद्र में आना होगा। क्या मार्जिन का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं? नवनीत सर, विदिशा पे शॉर्ट कमेंट। जी जी जी, शिवराज सिंह जी चौहान मैदानी क्षेत्र के मैदानी नेता है, और जो उन्होंने मेहनत करी है वो निसंदेह उन्होंने अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए करी है। जब पिछले एक अननोन उम्मीदवार रमाकांत भार्गव एक बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं तो शिवराज सिंह जी के नाम पर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो एक बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, और उनके सामने जो प्रताप भानु शर्मा जी हैं वे पिछला दो चुनाव हार चुके हैं, वयोवृद्ध हो चुके हैं, और वे भी चुनाव इस तरीके से लड़ रहे थे कि खाली लड़ना है। तो शिवराज सिंह चौहान जी, और जहां तक भाजपा की बात करें तो भाजपा का हर उम्मीदवार, भाजपा का हर कार्यकर्ता पांचों साल इलेक्शन मोड में रहता है, और वो हर चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ता रहता है। राकेश सर, बहुत शॉर्ट कमेंट विदिशा को लेकर। यस जी जी, देखिए बिल्कुल नवनीत जी की बात से यहां मैं इत्तेफाक रखता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो है मैदानी नेता है और उनके लिए यह चुनाव कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि उन्हें बहुत बम्फर तरीके से दिल्ली भेजा जाए, विदा किया जाए, तो एक भावुक अपील है, और मुझे लगता है उसका असर होगा, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा उनके पक्ष में मतदान करने में लिया होगा। और प्रताप भानु जी की बात बिल्कुल सही है कि वो आधे मन से चुनाव लड़ रहे थे और उनके पक्ष में जितना काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था वो शायद नहीं कर पाए। जी, वैसे भी उनकी काबिलियत है कि जज्बातों को जमहूरियत की ताकत वोट में वो बहुत करीने से तब्दील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सियासत को रिपोर्ट करने के लिए, और ये जो चर्चा है